बड़ी चीज हुई है, तो प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए। मैं कही उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। राजवीर भैया का नेचर इतना जॉली नेचर, इतने अच्छे इंसान, पता नहीं इतने अच्छे इंसानों साथ ही पता नहीं भगवान ऐसा क्यों कर रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्री सक्सेस आई क्यू और मैं हूँ रमेश कुमार। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि यार आखिर वहाँ की शिवपुरी की मीडिया है और आखिर जो राजवीर जी की फैमिली वाले हैं, जो स्नैपी गर्ल्स हैं सपना चौधरी, उनके फैमिली वाले आखिर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। तो बहुत से लोगों ने गलत कमेंट्स किए कि भाई उनकी हालात क्या है, अभी कंडीशंस क्या है। तो दोस्तों ये हम भी बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे ना, गलत तरीके से कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ तक कि उनके खुद फैमिली मेम्बर्स को भी गलत कहा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिविल लाइफस्टाइल की। तो सिविल लाइफस्टाइल जब जो उनके काफ़ी करीबी हैं आप तो जानते होंगे, उन्होंने एक वीडियो डाला, उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया गया, इतने ज़्यादा कमेंट्स में बोला गया कि आप जा नहीं रही हो, ये है वो है। तो उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि जो राजवीर जी की डेथ है वो एक बहुत जो सच बात है, और दूसरी बात ये है कि वो ये कहना चाहती है कि उनके घर पर, यानी कि वो कह रही है कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं, इस कंडीशंस के अंदर वीडियो अपलोड करूं, उनसे बात करके आपको व्लॉग बना के दिखाऊं, तो ये कहां तक यार पॉसिबल है, आप खुद सोचिए। और अभी जो एक रिसेंटली व्लॉग है उससे ये भी पता चला है कि जो राजवीर जी की वाइफ थी यानी कि सपना चौधरी जी, उनकी भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि जिस तरह का उन पर एक दुख आन पड़ा है, आप समझ सकते हो कि यार ये कितना बड़ा दुख है उनके लिए। और अभी जो सिविल लाइफस्टाइल ने अपने रिसेंटली वीडियो में बताया है कि सपना से वह जब मिली और उनसे बात की तो पता चला कि यार उनकी कंडीशंस रियली में बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसे में अभी कुछ भी जल्दबाजी में अपडेट देना बताना बहुत मुश्किल होगा। और दोस्तों एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, रिसेंटली जब इस टॉपिक को लेकर बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं जिसको पता भी नहीं था कि द रूट चैनल है और स्नैपी गर्ल्स हैं, और एक जो हमारे भाई थे उन्होंने वीडियो बनाए थे, तो जिस तरह से आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने रिपोर्ट कर दिया चैनल को, तो उन भाई का चैनल ही टर्मिनेट होगा, डिलीट हो गया भाई चैनल। तो यार मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि कोई आपको इतनी मेहनत करके अपडेट दे रहा है, उनके बारे में बता रहा है अपनी, क्योंकि जो न्यूज़ दे रहा, तो भाई आप ये सोचिए ना, वो कुछ ना कुछ तो मेहनत करता है, कहीं ना कहीं सर्च करता है और मेहनत करके फिर ही वीडियो बनाता है ना। तो यार उसने इतनी मेहनत की और आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो साइड में, उस बंदे का चैनल डिलीट करके दिया गया। जी हाँ दोस्तों, डिलीट किया गया है और इतनी ज़्यादा रिपोर्ट मार दी गई कि अब आप सोचिए उसकी इतनी मेहनत थी, पता नहीं कितने सालों से वो मेहनत कर रहा था और एक पल के अंदर उनका चैनल डिलीट हो गया। तो दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप इस भाई के चैनल को, जो इनके नया चैनल से ये सब हुआ है, मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों जिस तरह से कमेंट्स आए, आप लोगों ने रिपोर्ट किया, यूट्यूब टीम को बोला कि ये वायलेशन कर रहा है या कुछ भी किस तरह से, तब जाके इनका ये प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं पूरे इस वीडियो को लेकर, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों राजवीर जी से जुड़ी और हर एक अपडेट पाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा धैर्य रखें और गलत वीडियो पे ज़्यादा ना जाएं। ज़्यादा क्लिक करेंगे तो उनके लोगों के वीडियो आपके पास और ज़्यादा आएंगे और आप लोग और भी ज़्यादा गुमराह होंगे, जिससे कि दोस्तों होगा ये कि उन लोगों को और मौका मिलेगा और वो लोग और ऐसे हरकतें करेंगे और उनके चैनल्स पर वीडियो आती रहेगी। बहरहाल दोस्तों इस पूरे अपडेट को लेकर क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट में बताइएगा।